अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। चाचा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारे सुनकर गतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव को अच्छा अवश्य लगा, लेकिन दूर तक खाली पड़ी कुर्सियां जरूर अखरी होंगी। भीड़ का दूर तक निशान नहीं था, जिधर नजर गई उधर खाली पड़ी कुर्सियां। ग्रामीणों व समर्थकों का इंतजार देखती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। समाजवादी पार्टी परिवार में अलग थलग पड़े शिवपाल यादव में जरूर मुख्य धारा से जुड़ने की छटपटाहट साफ नजर आई। उन्होंने कहा भी, यदि अखिलेश यादव यूपी का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें गठबंधन करना होगा, क्योंकि भाजपा को सत्ता से दूर करने के लिए समान विचारधारी वाली पार्टियों को ही एक होना होगा। जहां तक उनकी बात है तो गठबंधन के लिए उनकी प्राथमिकता सपा ही है, वह कई बार कोशिश भी कर चुके हैं। अब बाकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है, यानी स्पष्ट है कि वह तो अपने पत्ते खोल चुके हैं। अब अखिलेश यादव को तय करना है कि वह अपने चाचा को साथ लेते हैं फिर वहीं स्थान देते हैं अथवा नहीं। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। दरअसल समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की पहचान चाचा जी के रूप में रही है। पार्टी में उनकी अपनी अलग व विशिष्ट अहमियत रही है। पार्टी से अलग होना पड़ा तो गतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन कर लिया। आज यूपी मेरठ के सिवाल खास में शिवपाल यादव एक अस्पताल का शिलान्यास करने पहुंचे थे। आयोजकों ने उम्मीद के मुताबिक थी सभा स्थल पर दूर तक बैठने का इंतजाम किया था, लेकिन भीड़ आगे की कुर्सियों तक ही सीमित रही। जिस वक्त उन्होंने अस्पताल का शिलान्यास भी किया उस वक्त भी बेहद कम भीड़ मौके पर नजर आई। इस अस्पताल पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे ऐसा वहां पर बताया गया। इस दौरान मीडिया से शिवपाल यादव ने बात भी की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम अवश्य हुई है, वहीं विशेषज्ञ तीसरी लहर सितंबर अक्टूबर तक आने के दावे कर रहे हैं। ऐसे में भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें, सोशल डिस्टेंसिंग व सरकारी गाइडलाइन का 100% पालन करें और देखते रहिए firstbite.tv। और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना वे बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलें। नमस्कार। अब ये तो हमें जानी जी ने 10 बीघा जमीन का, अभी तो इन्होंने 50 करोड़ का घोषणा की है और सरकार बना लेंगे तब कौन सी कमी रहेगी है? और जनता ने आश्वासन भी दिया है, उसमें हम इतना कहना चाहते हैं इसमें फ्री इलाज, सस्ता इलाज, किसी को इस क्षेत्र के लोगों को परेशान नहीं होने देंगे, अच्छा इलाज ये सब मिलेगा। जी, अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में खास तौर पे आप पॉइंट है आपका सवाल खास, तो कैसे किस तरीके से चुनाव की रणनीति रहेगी, क्योंकि अभी आपका पैक्ट नहीं हुआ है और अगर तीनों कैंडिडेट आते हैं सपा बसपा लोकदल और लोकदल सपा का हो गया और आपके, तो कैसे मतलब सीट देखिए। अभी मैंने कहा समाजवादी पार्टी को कहा, मैंने कहा हमारी प्राथमिकता है एक हो जाओ, मैंने सेकुलर पार्टियों से कहा एक हो जाओ, समान विचारधारा की पार्टियों से कहा एक हो जाओ, इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए आसानी हो जाएगी और हटा भी देंगे, इसलिए मैंने कहा। अच्छा, लोकदल सपा का पैक्ट हुआ है अभी, मतलब जो किंग मेकर है आप पार्टी के विजेता हैं, आपने खून से सीजी थी समाजवादी पार्टी, अभी इतना समय क्यों लग रहा है? अब तो ये तो बात तो वही बता पाएंगे, वही बता पाए। आप चाचा हैं तो वो तो आपके बच्चे हैं। हैं तो मैंने तो प्रयास किया ही है, मैं तो खोल खोल के मंचों पर सबके सामने कह रहा हूँ, अब उनकी जिम्मेदारी है, हैं उनको मुख्यमंत्री बनना है तो उनकी जिम्मेदारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम अवश्य हुई है, वहीं विशेषज्ञ तीसरी लहर सितंबर अक्टूबर तक आने के दावे कर रहे हैं। ऐसे में भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें, सोशल डिस्टेंसिंग व सरकारी गाइडलाइन का 100% पालन करें और देखते रहिए firstbite.tv। और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलें। नमस्कार।